परमात्मा को अपने हृदय सिंहासन पर जब व्यक्ति बैठा लेता है तो उसका जीवन कुंदन बन जाता है, उसका जीवन पावन बन जाता है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ईश्वर की भक्ति आ जाती है, जब व्यक्ति के जीवन के अंदर सत्यता आ जाती है, जब व्यक्ति के जीवन के अंदर यज आ जाता है, तो समझ लीजिएगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महापुरुष बनने की तैयारी में लगा हुआ है। और एक दिन वो आता है जब सारी दुनिया के लोग उस व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं। और इसका उदाहरण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक उदाहरण तो जिन्होंने हमें मार्ग दिखाने का काम किया, जिन्होंने इस सोई हुई जाति को जगाने का काम किया, जिन्होंने इस देश से गुलामी की जंजीरों को काटने का काम किया, वो आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद जी महाराज थे, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति में स्वयं को डुबाया, जिन्होंने सत्यता को अपने जीवन के अंदर धारण किया था, जिन्होंने यज्ञ की इतनी बड़ी महत्ता उन्हें समझा दी, वो ऋषि दयानंद जी महाराज थे। और मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, जब व्यक्ति के सपने सुदृढ़ हो जाते हैं और वो कुछ करने को चलता है, तो स्वयं परम पिता परमात्मा उसका साथ देते हैं। उनके साथ में कोई उनके बेटे पोते नहीं चले थे, अकेला चला था और अकेले ने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया था। ये जज्बा कहाँ से आया? ये उस परमपिता परमात्मा ने दिया। ये आत्मिक बल कहाँ से आया? ये उस परमपिता परमात्मा ने दिया। बस वेद की पोटली को लेकर के, परमात्मा का सहारा लेकर के जब समाज के अंदर कुछ करने को चला, तो सारी दुनिया के लोग नतमस्तक हो गए थे। अगर पलड़े में रख करके तोला जाए तो ऋषि दयानंद का पलड़ा बड़ा भारी था दुनिया के लोगों पर। इसलिए एक गीत की पंक्तियाँ मैं ऋषि दयानंद जी महाराज को अर्पित करके अपनी वाणी को विरमित करूँ, समय हो जाएगा। के देव
से कितने जन्म उतारेंगे लेकर कैसे कितने जन्म। ऋषि के इतने एहसान हैं जिन्हें उतारना तो बहुत दूर की बात है, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उनके ऋण से उऋण होना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए मैं निवेदन कर दूँ आप लोगों के मध्य में, जिसका इतना महान चरित्र हो, जिसके साथ परमात्मा का सहारा हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से वर्चित होकर के मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम। अनुवारिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है।